नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। शुक्रवार को इटखोरी अवस्थित कृषि फार्म के प्रांगण में प्रखंड क्षेत्र के भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मूल उद्देश्य था 29 जून को चतरा जिले के टंडवा में कोल कंपनियों की मनमानी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। कोल कंपनियों की मनमानी, क्षेत्र में बिजली, पानी, रोजगार और विस्थापन की समस्या के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुजीत भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकती। या कोल कंपनियां इसी क्षेत्र से कोयला दूसरे प्रदेशों में भेजती हैं, जहां पर लोग बिजली की रोशनी से रोशन होते हैं, लेकिन मगध परियोजना और आम्रपाली परियोजना के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को ना तो बिजली दी जाती है, ना पानी दी जाती है और ना ही रोजगार दी जाती है, जिसके कारण रोजगार की तलाश में क्षेत्र के युवा पलायन करने को मजबूर होते हैं। इन कंपनियों के द्वारा विस्थापित किए गए लोगों के पुनर्वास की अभी तक कोई सटीक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा कोयला ढुलाई के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों के द्वारा नित्य प्रतिदिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। इन तमाम मुद्दों पर जिले के विभिन्न प्रखंडों के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टंडवा में जुटेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह, मंडल महामंत्री शिव कुमार राणा, मंडल उपाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि निरंजन सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुजीत भारती, किसान मोर्चा के रामाधार राम, जिला मंत्री सतीश सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री आशीष मिश्रा समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता सम्मिलित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन मंडल महामंत्री शिव कुमार राणा के द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन मंडल महामंत्री प्रीतम राय के द्वारा किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कार्य समिति के बैठक में हम लोगों के प्रदेश और जिला के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनते हुए हम लोग हरेक महीने के अंतिम रविवार को सुनते थे। लोकसभा चुनाव के निमित्त बंद हुआ था, उसको पुनः चालू करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरा है मतगणना भारतीय जनता पार्टी इटखोरी में प्रखंड कार्य समिति के बैठक, उसके पहले मैं बोलूं कि कल जिला कार्यालय चतरा में बैठक हुई थी। वहां हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ कि हरेक प्रखंड में प्रखंड कार्य समिति के बैठक रखना है और बैठक में वहां हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ कि हरेक महीना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनते आ रहे थे हम लोग, उसको पुनः फिर महीने के अंतिम रविवार में हरेक बूथों पर हम लोगों को सुनना है। और दूसरा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है, किसका नाम कटा, किसका नाम छूटा, उसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसमें तत्पर होकर काम करवाएंगे, जोड़वाएंगे। और तीसरा है कि एक पेड़ माँ के नाम से हर एक कार्यकर्ता लगाना है और आसपास से अगल बगल के घरों में लोगों को प्रेरित करना है कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं। और इसको सरल ऐप पर लोड भी करना है जो सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी के खाते में जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि कल सिमरिया विधानसभा के टंडवा प्रखंड में बिजली पानी को लेकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के इटखोरी प्रखंड के एक एक कार्यकर्ता यहां से हम लोग टोली बनाकर चलेंगे और उस धरना कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के धरना कार्यक्रम प्रदर्शन का सफल आयोजन करेंगे। टंडवा में जिला कार्य समिति का बैठक नहीं, जिला कार्यालय चतरा में कल भारतीय जनता पार्टी जिला चतरा का कार्य समिति का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश द्वारा निर्देशित जो अपना कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में आज प्रखंड कार्य समिति का बैठक
संपन्न हो रहा है उसी के निमित्त आज इटखोरी मंडल में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे मंडल अध्यक्ष जय कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि मतदाता परीक्षण का जो काम चल रहा है सरकार के द्वारा, उसमें हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको विशेष रूप से पार्टी के द्वारा निर्देशित है कि जिनका भी नाम हमारे बूथ समिति वोटर लिस्ट से कट गया है उसको जुड़वाना है, और जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते हैं उनका नाम अगर मतदाता सूची में है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना है। दूसरा, कि अभी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, उसके निमित्त भी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाए। और कल टंडवा में एक कार्यक्रम रखा गया है, बिजली पानी सड़क और सड़क जो दुर्घटना होता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसी के निमित्त यहाँ के भी कार्यकर्ता पूरी मंडल के भी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में जाएंगे और अपना उपस्थिति सुजोर ढंग से वहाँ दर्ज करेंगे। विटामिन न्यूज़ के लिए इटखोरी चतरा से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।